स्टूडेंट M1 ब्लॉक है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है म्यू के लिए, यानी कि जो ये सब केस है रफ है। M2 ब्लॉक उसका बी नेमिंग है, M1 का ए नेमिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है। अपने वाले दिया हुआ कुछ एक्सेलरेशन वगैरह, इसका मतलब मैं जो भी सिस्टम की एक्सेलरेशन मानूंगा उसको मुझे फाइनल आंसर में एलिमिनेट करना होगा। मुझे आंसर किस फॉर्म में निकालना है, टेंशन का M1 M2 म्यू के जी, और कुछ नहीं, एक्सेलरेशन के फॉर्म में नहीं निकालना क्योंकि मैंने चार ऑप्शन बहुत लेंथी ने लिखे नहीं है, करते हैं इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चलिए M2G नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, इस पर इधर की तरफ टेंशन कितनी लगेगी, 3 लगेगी। ये तो हमें प्रीकोडेड डायग्राम वैसे तो बनाने चाहिए, बट आपका टाइम बचाने के लिए ये स्ट्रिंग इस पे ऊपर की तरफ खींचेगा, ये स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगा, पूरा सिस्टम में कॉमन एक्सेलरेशन इसे जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन भी ए है, इसकी एक्सेलरेशन भी इस तरफ ए है। हाँ, इसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि काइनेटिक लेके चल रहे ना, तो वो कितना लगेगा, म्यू के इनटू एन। नॉर्मल फोर्सेस यहां पे क्या लगेंगे, ऊपर की तरफ एन लग गया, नीचे की तरफ M1 जी लग गया, एन और M1 जी इक्वल होंगे, है ना, वर्टिकली तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू एन की पुट कर देंगे, M1 जी आ गया। अब सवाल होता है यहां पे हम इक्वेशन लगाते हैं, क्या लगेंगे, M2G - T इक्वल टू M2 एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो बी पे मैंने इक्वेशन लगाई, बी की यहां पे लिख दी, ए पे फोकस करते हैं, ए पे अगर हम फोकस करें तो ए पे इधर की तरफ टी फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, तो देखते हैं T - μK (N) N क्या होगा, M1G ही होगा, μK (M1G) that should be equal to उसका मास, M1 का मास into उसकी acceleration। आपने को ना एक ही फॉर्म में आंसर देखिए टेंशन का, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, LHS LHS से डिवाइड होगा दोनों इक्वेशन का, RHS यानी कि राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की एक तरफ, LHS एक तरफ रेशियो में आ गया, ये मामला कैंसिल आउट हो गया, ये बचा M2G - T (T - μK (M1G) that is equal to M2 by M1, ठीक है। ये M1 ऊपर चला गया, ये इधर चला गया, M1 M2G - T, ठीक है ना, ये आ गया M2 T - μK (M1G), ये आ गया M1 M2G - M1T that is equal to M2T - μK (M1 M2G) इस टर्म को मैं इधर ले आऊंगा, टी वाली टर्म को उधर ले आऊंगा, इस टर्म को मैं इधर मूव करता हूं, इस वाली टर्म को मैं इधर मूव कर देता हूं, तो आ जाएगा M1 M2G जो इधर था इधर का आ गया, इसके साथ ये वाली टर्म प्लस होगी, प्लस μK (M1 M2G) दैट इज इक्वल टू T (M1 + ठीक है, ये इक्वेशन कितनी आ गई, M1 M2 इसमें कॉमन ले लेता हूं मैं, M1 M2 G कॉमन ले लेता हूं, ये आ जाएगा 1 + μK / M1 + देखो ये सब सॉल्व तो आपको करना आना चाहिए ना, मैंने तो आपको अप्रोच बता दी थी कि कैसे करना, तो सीधा सीधा ऐसे करना है, तो लेंथी है 1.5 मिनट।